दरभंगा के शोभन में प्रस्तावित बिहार के दूसरे एम्स अस्पताल के निर्माण की शुरुआत अब जल्द ही हो सकेगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को पत्र लिखा है और कहा है कि यदि शोभन में जो जमीन को दी गई है वहाँ पर मिट्टी भराई, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था और एनएच से उसके लिंक रोड की स्थापना हो जाती है तो इसके बाद वहाँ निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें कि 2015 में केंद्र सरकार ने दरभंगा में एम्स के निर्माण की बात कही थी और 2020 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी थी। और सबसे पहले बिहार सरकार ने डीएमसीएच परिसर को एम्स के निर्माण के लिए दिया था, लेकिन बाद में फैसला पलटते हुए शोभन में जमीन मुहैया कराई थी, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में खींचातान उत्पन्न हो गया था। दरअसल केंद्रीय मंत्रालय का कहना था कि वहाँ पर जो जमीन दी गई है वो जल भरा वाला इलाका है और वहाँ काफ़ी गड्ढा है और वहाँ निर्माण कार्य नहीं हो सकता है, जिसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तितलकियाँ भी उपनी थी और प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक ने इसे मुद्दा भी बनाया था। लेकिन अब एक बार फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पत्र लिखा है और जिसके जवाब में बिहार सरकार ने कहा है कि वो जल्द ही वहाँ पर मिट्टी भराई का काम शुरू करेगी, क्योंकि इसके लिए बिहार कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। और इसके साथ ही लिंक रोड भी, जो फोर लेन का होगा, उसे एनएच से जोड़ा जाएगा और यह दरभंगा एयरपोर्ट के नज़दीक होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अब जल्द ही शोभन में एम्स की स्थापना की जो शुरुआत है वो जल्द से जल्द हो सकती है। दरभंगा से विपिन और कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।